सोच वाले लोग को पेट में दर्द हो रहा है, ये बात कैसे नहीं है? ये बात से हम समर्थन नहीं करते। सुन, के पाठक तो पालतू कुत्ता है उन लोगों का, जो लोग उनको कभी बिस्किट देके इधर तो कभी बिस्किट देके उधर। शुरू से ही शिक्षा मंत्री हमारे हर मंच से बोल रहे थे कि आज मैं शिक्षा मंत्री बन गया हूँ तो बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, और वो साबित हो गया। आज वो साबित हो गया, के पाठक ने साबित कर दिया कि एक यादव के बीच बेटा के तलवे के नीचे हम कैसे रहेंगे। सचिव है यार, सचिव होके रहो, जो कहते हैं शिक्षा मंत्री मानना पड़ेगा। तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो? आईएएस अधिकारी है तो रहो, उतना ही क्षमता में रहो ना, उतना ही क्षमता में। तुम आईएएस हो, यूपीएससी पढ़ के आया, पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए हैं, फिर भी शिक्षा मंत्री के तुम पीए ही कहलाओगे, शिक्षा मंत्री के सचिव ही कहलाओगे, शिक्षा मंत्री नहीं बन जाओगे। और सुनील सिंह महागठबंधन में रख के कौन होते हैं इस्तीफा मांगने वाले शिक्षा मंत्री से? वो बनाया है क्या शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को? ये सुनील सिंह को शर्म नहीं होता है? शर्म नहीं होता है? खुद तेजस्वी को और लालू यादव को चढ़ाना चढ़ा के एमएलसी बने हुए हैं और चंद्रशेखर यादव से वो इस्तीफा मांगेंगे? अरे अपने गृहवान में झांक के देखिए कि आप कैसे एमएलसी बने हैं। शिक्षा मंत्री तो विद्वान है, पढ़े लिखे इस बार शिक्षा मंत्री बने हैं, चुनाव जीते हैं, अपना विधानसभा से चुनाव जीत के आए हैं, उसके बाद अपने काबिलियत पे वो शिक्षा मंत्री बने हैं और उस पे आप लोग उंगली उठाते हैं, तो शर्म से चुल्लू भर पानी में आपको डूब के मर जाना चाहिए। उसको तो शर्म हो रहा है, लाज हो रहा है कि हम शिक्षा मंत्री जो कहेंगे वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ तो जात का बात आ गया है ना, यहाँ कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री शूद्र है, हाँ। तो शूद्र के नीचे में हम कैसे रहेंगे, तो छुआ जाएंगे, हाँ। क्योंकि पाठक तो ये कह रहे हैं। बिहार के राजनीति में ये हो रहा है कि जो शिक्षा मंत्री है और जो उनके अपर सचिव है वो विवाद में खूब घिरे हुए हैं। कभी ये टीका टिप्पणी के पाठक कर रहे हैं शिक्षा मंत्री पे, कभी शिक्षा मंत्री के जो समर्थक है वो इनके ऊपर में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, जो छात्र हैं उन लोगों से बात करेंगे। प्रिया यादव हमारे साथ हैं, प्रिया से जानेंगे कि के पाठक और जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का विवाद चल रहा है इसको कैसे देख रहे हैं। वो कह रहे हैं डॉक्टरेट का जो आप डिग्री लगाए हैं अपने नाम के आगे, इसको पहले हटा लीजिए। के पाठक को तो पेट में दर्द हो रहा है इसलिए कि एक यादव का बेटा शिक्षा मंत्री बन गया और हम उसके नीचे कैसे रहे, उसको तो शर्म हो रहा है, लाज हो रहा है कि हम शिक्षा मंत्री जो कहेंगे वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ तो जात का बात आ गया है ना, यहाँ कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री शूद्र है, तो शूद्र के नीचे में हम कैसे रहेंगे, तो छुआ जाएंगे, हाँ। के पाठक तो ये कह रहे हैं, के पाठक तो पालतू कुत्ता है उन लोगों का, जो लोग उनको कभी बिस्किट देके इधर तो कभी बिस्किट देके उधर, तो वो अपना बयानबाजी कर रहे हैं, वो बयानबाजी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री यादव का बेटा शिक्षा मंत्री बन गया है इसीलिए इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है और इसीलिए ये सब कर रहे हैं। बिहार का शिक्षा मंत्री अगर यादव बन गया तो दिक्कत हो जा रहा है, दिक्कत हो गया। ये तो शुरू से ही शिक्षा मंत्री हमारे हर मंच से बोल रहे थे कि आज मैं शिक्षा मंत्री बन गया हूँ तो बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, और वो साबित हो गया। आज वो साबित हो गया, और के पाठक ने साबित कर दिया कि एक यादव के बीच बेटा के तलवे के नीचे हम कैसे रहेंगे। सचिव है यार, सचिव होके रहो, जो कहते हैं शिक्षा मंत्री मानना पड़ेगा। तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो? आईएएस अधिकारी है तो रहो, उतना ही क्षमता में रहो ना, उतना ही क्षमता में। तुम आईएएस हो, यूपीएससी पढ़ के आया, पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए हैं, फिर भी शिक्षा मंत्री के तुम पीए ही कहलाओगे, शिक्षा मंत्री के सचिव ही कहलाओगे, शिक्षा मंत्री नहीं बन जाओगे, शिक्षा मंत्री नहीं बन जाओगे। और सुनील सिंह महागठबंधन में रख के कौन होते हैं इस्तीफा मांगने वाले शिक्षा मंत्री से? वो बनाया है क्या शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को? ये सुनील सिंह को शर्म नहीं होता है? शर्म नहीं होता है? खुद तेजस्वी को और लालू यादव को चढ़ाना चढ़ा के एमएलसी बने हुए हैं और चंद्रशेखर यादव से वो इस्तीफा मांगेंगे? अरे अपने गृहवान में झांक के देखिए कि आप कैसे एमएलसी बने हैं। शिक्षा मंत्री तो विद्वान है, पढ़े लिखे इस बार शिक्षा मंत्री बने हैं, चुनाव जीते हैं, अपना विधानसभा से चुनाव जीत के आए हैं, उसके बाद अपने काबिलियत पे वो शिक्षा मंत्री बने हैं और उस पे आप लोग उंगली उठाते हैं, तो शर्म से चुल्लू भर पानी में आपको डूब के मर जाना चाहिए। और ये सरकार जो है, ये सरकार ये भाजपा से मिली हुई है, ये नीतीश कुमार जी, ये चाह रहे हैं कि महागठबंधन कमजोर हो जाए, और ये कब पलट जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये ज्योति मोरिया वाला हाल है ज्योति मोरिया वाला हाल है एकदम से, कि एसडीएम बन जाओ पलट, वही है जहाँ प्यार मिला वहाँ पलट जाओ, तो यही है नीतीश कुमार जी। ये महागठबंधन किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बिहार को छात्रों को भी समझ में नहीं आ रहा है, बिहार के छात्र को लग रहा है कि जो सीटेट बीटेक का जो मामला चल रहा है वो हमारे शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। नहीं भाई, हमारे शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री को मुंह बंद कर दिया गया है, और ये जब वो कुछ बोलते हैं शिक्षा मंत्री तो बोलते हैं तुम्हारे मंत्री पद से हटा देंगे। इस तरह का शोषण एक शिक्षा मंत्री के साथ हो रहा है, और क्यों हो रहा है वो हमको आपको बता दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री सिर्फ एक यादव का बेटा।
पेट में दर्द हो रहा है, ये बात कैसे नहीं है, ये बात हम समर्थन नहीं करते। सुनिए ना, अरे सुनिए ना, बोलिए ना, के पाठक को कैसे हिम्मत हो गया कि शिक्षा मंत्री के बारे में या हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में वो बोले, उसका राइट है। सुनिए, शिक्षा मंत्री नहीं होते, शिक्षा मंत्री कहीं चले गए होते तब जाके के पाठक बोल सकता था। ये पालतू कुत्ता क्या करेंगे, कभी बिस्किट फेंके तो उधर, कभी बिस्किट फेंके तो इधर। हमारे शिक्षा मंत्री एकदम सही है और एकदम सही रास्ते पे है और हम लोग शिक्षा मंत्री के साथ हैं। होने करके मंत्री से अगर, अरे वो शुरू से ही कह रहे थे कि हम शूद्र का बेटा है और शूद्र का बेटा शिक्षा मंत्री बन गया है, इसीलिए पेट में दर्द है। और भी तो लोग हैं जी, सुनिए ना, मंत्री हम गिनाते हैं, आप देखिए ना, सुरेंद्र यादव यादव मंत्री है कि नहीं, जितेंद्र यादव मंत्री है, तेज प्रताप यादव मंत्री है, तेजस्वी यादव ये मंत्री है, इन लोग के पीए काहे नहीं इनसे सवाल करते जी। इसके तुलसीदास दुबे जी पे जो उंगली उठाए थे, इनका जो पोल खोल दिए थे कि इन्होंने हमारे शूद्र के बारे में क्या क्या लिखा है, उसी बात का बदला ले रहे हैं। तारण के अधिकारी, शिक्षा मंत्री ने सभी बहुजनों को दिखा दिया कि देखो हम लोगों के बारे में क्या क्या लिखा गया है, सबको जगाने का काम किया, जागरूकता फैलाने का काम किया अपने बहुजनों भाई को, तो इसीलिए इस पाठक को पेट में दर्द हो गया है। छोड़िए ना आर पार की लड़ाई है, हम लोग शिक्षा मंत्री के साथ है और के पाठक जैसे कितने भी लोभी परलोभी ला के रख देंगे और कुछ अनाप शनाप बयान दिलवाएंगे, हमारे शिक्षा मंत्री डरने वाले नहीं है, हीरो है बिहार के, हीरो है। मतलब आप जातिवाद इसमें भी करिएगा, जातिवाद नहीं कर रहे हैं, जातिवाद नहीं कर रहे हैं, जातिवाद नहीं कर रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं। आज सीटेट बीटेट वाले छात्र रोड पे लाठी खा रहे हैं, क्यों नहीं कोई बोल रहे हैं? एक वीडियो क्लिप देखिए, पिछले बार लाठी से मार करके कपार फाड़ दिया गया था के पाठक, उस समय वही उसका गुंडागर्दी तो सबको पता है, उसका गुंडागर्दी तो सबके पता है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। ये भाजपा वाला भी नहीं बोलेंगे, भाजपा वाला कहीं दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं दिखाए कि बिहार के खत्म कर दिया है तो लागू कैसे हो, कोई बोल रहा है? नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, क्योंकि सीटेट का बच्चा सब वही बहुजन भाई का बेटा बेटी सब पास किया है और सब जाके मास्टर बन जाएगा तो और ज्ञान पालेगा, तो इन लोगों को पेट में दर्द होने लगेगा। तो यही बात है, तो समय समय की बात है, सब लोग पढ़ने वाले और सब लोग अब विद्वान है, हम लोग डरने वाले में से नहीं है और शिक्षा मंत्री एकदम संघर्ष करते रहिए, हम लोग साथ हैं। चलिए, तो प्रिया यादव है, प्रिया यादव कह रही है कि शिक्षा मंत्री डरने वाले नहीं है, शिक्षा मंत्री चुनाव लड़ करके बने हैं मंत्री, इसलिए उन लोग को दिक्कत हो रहा है कि हम पाठक है और यादव के नीचे में कैसे काम करेंगे, इसलिए उन लोग को पेट में दर्द हो रहा है। हालांकि ये बातें बहुत पहले से ही शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम शूद्र होकर के शिक्षा मंत्री बने हैं तो लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। उससे पहले भी एक विवाद हुआ था कि वो उन्होंने रामचरितमानस के बारे में टीका टिप्पणी जो किया था कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल तारण के अधिकारी, तो उसको लेकर के बिहार में बहुत सारे लोग विरोध किए थे और यहाँ तक एक बाबा उत्तर प्रदेश के ये कह देते कि इनका जो जुबान काट के लाएगा उसको हम 11 लाख रुपया भी देंगे। ये सारा विवाद आपने देखा होगा। बाकी आपका क्या कहना है, शिक्षा मंत्री और के पाठक में कौन सही है और प्रिया राज के बाद से आप कितना सहमत है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नाम हमारा केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।